कि समाप्त हो गया आपका साहस और समाप्त हो गई आप लोगों की शूरवीरता। तो महानुखेद ही नहीं अभी तो महान पहचाना कि साथ साथ आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा आप लोगों को कुछ प्राप्त हुआ तो मेरे मित्रों सर्वदोष जो भी नेपाल जो भी महिपाल अपने स्थान से हमारे स्थान के लिए प्रस्थान किया देखो ना सब अपने हृदय में हार मान गए लेकिन आप लोग करो महाराज हमारा अपमान हमारा तिरस्कार लेकिन नहीं मेरे मित्रों अरे स्थितियां तो यहां आ गई कि भूप साहस दस एक ही बारह पर लगे उठावन तरई नटारा अरे 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया है लेकिन किसी ने तिलमात नहीं उठा पाया। अरे मेरे मित्रों जरा भी विचार करो किसी पिता के दरवाजे पर यदि बारात आ जाए और उस बारात पर कोई दूल्हा ना हो अरे उस पिता से जाकर के पूछो अरे उस मैया से जाकर के पूछो अरे मेरे मित्रों उस पिता के हृदय में क्या बीती है तभी तो मेरे मित्रों में जिस भी क्षत्रिय पाल को दृष्टिपात करता हूं तो आप अपनी किरवाएं झुका लेते हैं हमसे नजरे नहीं मिलना चाहते क्या मैं आपको वीर मान लू भटमानी मान लू या फिर भी मान लू कि जब आप लोग श्रेष्ठ हो गए तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया तभी तो मेरे मित्रों में कहा करता हूं कि यह श्री हतो भये अरे धिक्कार है तुमको धिक्कार है तुम्हारी सूरवीरता को। अरे मेरे मित्रों ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो व्यक्ति अपने यश और अपयश का भागीदार हो जाए अपयश का भागीदार हो जाए और जाकर के अपने स्थान पर बड़ा आसीन हो जाए लेकिन आप तो अपने हृदय में हार मान करके भी अपने अपने स्थानों पर आसीन हो गए कि यहां श्री हत भये अरे धिक्कार है तुमको धिक्कार है तुम्हारी सूरवीरता को और साधारण हार नहीं कि यह हारो यही राजा। और जब आप अपने हृदय में हार मान गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया और आप लोग श्रवण कर रहे हैं जनक जी की कौणिक वाणी को प्रभावित हुए आप हैं हमारे इस मंडल के मंडलाधीश बड़े भैया श्री हरिओम मिश्रा जी ओम जी महाराज आपकी ओर से जनक जी के करोड़ कंदन विलाप में 51 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं भैया जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद साधुवाद। लेकिन मेरे मित्रों मैं देख क्या रहा हूं कि तब यहां बहे थे नीजे अरे देखो ना देखो अरे यहां बहे थे नीजे और यहां ने जो जाई और यह समा जा
जब यहाँ श्री हर तो भाई, परंतु श्रेष्ठ होने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथ्या का परित्याग नहीं किया। लेकिन आप लोग कह रहे हो महाराज आज हमारा अपमान हमारा तिरस्कार, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, मैंने किसी भी छत्तीसपाल को कोई व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं दिया था। और ध्यान दें आप लोग सुन रहे हैं श्री जनक जी के द्वारा बहुत ही कारुणिक विलाप। इसी पर प्रभावित हुए बड़े भैया विनोद जी तिवारी रामलीला कमेटी अध्यक्ष सैनीपुर, भैया की ओर से 21 पत्र मुद्राएं जनक जी के सुंदर विलाप पर प्रदान किए गई हैं। भैया को कोर्ट से साधुवाद, धन्यवाद। मैंने किसी भी क्षत्रियपाल को कोई व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं दिया। यदि मेरे पास या आपके पास कोई व्यक्तिगत प्रमाण हो तो आप अपनी समाज में खड़े करके दें महाराज हमारे पास प्रमाण है। यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं तो मेरे मित्रों मेरे पास है। प्रमाण मिलता है तो केवल सुविधा मिलता है, जैसे कि जैसे यहां आए सोनी, प्रमाण मिलता है तो केवल सुनी का मिलता है मेरे मित्रों। जब आप लोग सुनकर के उपस्थित हुए हो तो चाहता हूं परित्याग कर दो मेरी बिथ्या। और यहां आए सोनी और क्या सुनी कि हम जो प्रणय यह था ना, जो मैंने प्रण किया है आप लोग इसको सुनकर के आए हैं। अब यहां एक दो दीप के नहीं और यहां द्वीप यहां भोपा तीनाना और यहां आए सोनी। और जब आप लोग सुनकर के उपस्थित हो चाहता हूं परित्याग कर दो मेरी मिथिला। लेकिन यहां पर कुछ युवा पीढ़ी हंस रही कह रहे महाराज हम आपके बल की परीक्षा, हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य सोई प्रार को दंड कठोर और उसके बदले में छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि मेरे इन आए हुए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार के बदले एक नहीं, अरे दो नहीं, 3 लाभ। और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक उपलब्धि प्रदान करूंगा। यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो मेरी लाभ, शायद आपको अच्छे लग जाए मेरा लाभ, तो कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। और देख लो मेरे मित्रों, आप कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति तो मैं भी प्रदान कर दूंगा ये बैठी ही अलौकिक मूर्ति, मैं भी प्रदान कर दूंगा ये बैठी अलौकिक मूर्ति। सुन लो मेरे लाभ, सुन लो मेरे लाभों के लोकलिखा कि यह कुंवरी मनोहरी पिचाई बड़ी। मैंने कह दिया कुंवरी मनोहर, तो आप लोग कह रहे हो महाराज कन्याएं तो हमारे पास भी बैठी हुई हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, ये आपकी बैठी कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं अपितु धरातुला है। इस वजह से पहला लाभ मनोहरी कन्या, अरे ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात, आप लोगों ने अपने जीवन काल में सुनी तक नहीं होगी। इस वजह से पहला लाभ मनोहरी कन्या,
कि यह कुंवरी मनोहरी पिचाई बड़ी और कीरत अति हो ये कामोनी परवार मिला दुर्भाग कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे जनो यह रचिवे न धनो दमोनी कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे जनो यह रचिवे न धनो दमोनी पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। तो आप लोग महाराज कौन सी जे देना चाहते तो सुन लो। यदि आप लोग मेरी मिथिला का दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सफलता ही नहीं। अगर आप लोग लोगों पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ एक लोक की नहीं, तो आप लोग कह रहे हो महाराज कौन सी चीज देना चाहते हैं तो सुन लो मित्र मित्रों सुन लो कि ये है त्रिभुवनो जय ये है तीनों लोकों की जय। किए है त्रिभुवनो जय देखो ना अरे यहां समी तो ये बैदे ही तो अब बिना ही विचार अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है तो अब बिना ही विचार तो फिर क्या करना है ये बराए हाथी ये दे क्योंकि त्रिभुवनो जय। अरे मेरे मित्रों मैं तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रीतिता मैं सीता आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। अरे जरा सोचो जब किसी भी पिता के घर में बेटी सैनी हो जाती है तो मेरे मित्र उस पिता को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। उस मैया को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना कितनी भी संपत्ति दे देना लेकिन जिस वक्त बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना तो हरी कठोर से कठोर हृदय की मां रो देगी। हरे कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देगा।
मेरे मित्र संसार में तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती, और वह व्यक्ति जिसके कैंसर जैसा मर चुके, क्या वो उसको रात में नींद आएगी? नहीं आएगी। और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्र जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हो, बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते, उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, देखी वो माता, अरे रो देखा वो पिता, चाहे कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन मेरे मित्रों जिस वक्त ने बेटियों की दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो अरे कठोर से कठोर हृदय की मार, अरे कठोर से कठोर हृदय का पिता, और मेरे मित्रों तीसरा व्यक्ति जिनके घरों में सैनी बेटियां हो और उस बेटी के लिए कोई वर की प्राप्ति ना हो रही, बेचारा पिता खर्च छोड़ करके जिस वक्त बेटी की वर की खोज के तर तर की ठोकरे खाता है ना, अरे उस पिता से जाकर के पूछो, बेचारा पिता एक वर्ष नहीं, दो वर्ष नहीं, तीन वर्ष नहीं, पांच पांच वर्ष बेचारा दर दर की ठोकरे खाता, अरे उस पिता से जाकर के पूछो, बहुत से ऐसे पिता समाज में बैठे होंगे, बहुत सी ऐसी माताएं समाज में बैठी होंगी जिनके घर में सैनी बेटियां, और मेरे मित्रों जब वह पिता अपनी बेटी की बर की खोज की इतर तर की ठोकरे खाता है ना, उस पिता के हृदय से जाकर के पूछो, और जब वही पिता घर वापस आता है उसकी पत्नी पूछती है, स्वामी हमारी बेटी के लिए कोई वर की प्राप्ति हुई? तो मेरे मित्रों उस पिता से जाकर के पूछो, वह पिता यही कहता है, महारानी धरती फट जाए और मैं समाप्त, धरती फट जाए और मैं समाप्त। उस पिता से जाकर के पूछो, वह पिता क्यों कहता है ऐसा मेरे मित्रों जानते हो? जब वह पिता एक वर्ष नहीं, दो वर्ष नहीं, तीन वर्ष नहीं, पांच पांच वर्ष दर दर की ठोकरे खाता है, तो उस पिता के हृदय से जाकर के पूछो, प्रत्येक पिता यही सोचा करता है, महाराज हमारी बेटी का पाल गृह संस्कार जिस घर में हो वो कम से कम धनवान घर हो। और ध्यान दें, ये आ गए योगेंद्र सिंह जो इसी ग्राम चितौरा के निवासी हैं, भैया की ओर से 11 पत्र मुद्राएं जनक जी के कारुणिक विलाप पर सादर समर्पित हैं। भैया को कोट से धन्यवाद, साधुवाद। संसार का मेरे मित्र प्रत्येक पिता यही सोचा करता है, महाराज हमारी बेटी जिस घर में जाए अच्छा सब परिवार हो, धनवान परिवार हो, प्रत्येक पिता यही सोचा करता है। और मेरे मित्र जिस वक्त वह धनवान पिता
कि दरवाजे पर एक निर्धन पिता पहुंचता बेटी का पिता, वो धनवान पिता एकदम निर्धन हो जाता है। निर्धन महाराज बेटी के पिता से कहता है, महाराज कितना धन देंगे, कितना दहेज देंगे? तो महाराज वो बेटी का पिता यही कहता है, महाराज मैं तो आपको धनवान मानकर के आया था कि आप क्या मैं अपनी बेटी का पाणिग्रह संस्कार कर दूंगा, लेकिन आज मुझे पता चल गया महाराज आप तो मुझसे भी निर्धन हैं, मुझसे भी ज्यादा निर्धन हो चुके। तो बेटी का पिता यही कहता है, महाराज मैं ऐसे भिखमंगों के घर में अपनी बेटी का पाणिग्रह संस्कार नहीं करूंगा। तो मेरे मित्रों क्या उस गरीब पिता की बेटी कुंवारी बैठी रहती है? लेकिन बेटी तो अपने हृदय को मत दुखी करना कि बेटी मत रो बात मेरी तू मान। बेटी तू अपने हृदय को मत दुखी करना, रो लेने दे अपने पिता को। और ध्यान दे, ये आ गए सर्वेश जी मौर्य भैया की ओर से 21 प्रश्न मुद्राएं जनक जी के कारुणिक विलाप पर सादर समर्पित हैं। भैया को कोट से धन्यवाद, साधुवाद। अपने हृदय को मत दुखी करना, किसी ते मत रो बात मेरी तू मां, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी तो तज दो अपने प्राण, बेटी मत रो बात मेरी तू मां। अब तो हमें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है बेटी, यह शिव का चाप अभी टूटेगा, यह फिरो जगो हमसे छूटेगा, अर मैं अपने हाथों से अरे मैं अपने हाथों से अरे लूंगा कन्यादान, बेटी मत रो बात मेरी तू मां, सीते मत रो बात मेरी तू मां। लेकिन बेटी तू अपने हृदय को मत दुखी करना। अब तो मेरे मित्रों आज तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समाप्त हो गया आपका पौरुष, अरे समाप्त हो गया आपका वीरत्व, अरे कर न सकूं मैं ब्याह सिया का, क्यों? क्योंकि किस्मत तो भी कुछ ऐसी थी, ऐसी किस्मत ही है पर जीती बाजी हार गए, अरे जीती बाजी हार गए हम, ये किस्मत तो ही कुछ ऐसी थी, अरे कर न सकूं मैं ब्याह सिया, अरे मेरे मित्रों अरे गोद खिला या निजे आंगन, अरे मेरे मित्रों मैंने इसको अपनी गोद में बैठा करके खिलाया, अरे गोद खिला
यानी जो आंगन। अरे ऐसी किस्मत रूठ गई, अरे ब्याह न कर हम सके सिया का, अरे जीती बाजी हार गए हम, अरे जीती बाजी हार गए हम। बस देखा मैंने आपका पुरुष, देखा मैंने आपका चतक, अब कोई भी क्षत्रिय नेपाल मेरे सामने बीता माखे का प्रयास न करे। अब जन कौ माखे फट मानी कन्हा वीर विहीन, और ये मही मैं जाने कब जानी, जब ये दुर्गति सामने देखो ना, जब ये दुर्गति सामने आनी तब वीर विहीन मही मैं जाने, और जब वीर विहीन मही में जाने कृपा समाप्त हो गई आपकी मेहमान। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर तब भी मेरे मित्रों आप लोग जानना चाहते हैं महाराज कि राजा जनक ने ऐसा प्रण क्यों किया, उसमें कारण है मेरे मित्रों, ये संसार का प्रत्येक नेपाल जानता है महाराज कि ये गरुए कठोर विदते सब काहू। महाराज ये आयुध गरु है, कठोर है, इस संसार का प्रत्येक नेपाल जानता है। और जिस वक्त मेरे मित्रों हमारी बेटी सीता ने लीपन करते समय अपने बाम कर से उठा लिया, तब जानते हैं इसकी आयु कितनी थी, 4 वर्ष 7 माह 21 दिन की थी। जब हमारी बेटी सीता ने अपने बाम कर से इस विशाल आयुध को उठाया, तब जानते हैं इसका वास्तविक भार कितना था, 3000 मन हड्डियों का था, कि 3000 मन अस्थि को ये बनो पंच असरारो। जो ये सजावट है मेरे मित्र ये अलग है, जब 3000 मन हड्डियों का विशाल आयुध सीता ने लीपन करते समय अपने बाम कर में उठा लिया, तब मने जाना ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये लौकिक नहीं अलौकिक कन्या है, ये आत्मजन नहीं अपितु धरात्मजन है। जब ये लौकिक नहीं अलौकिक है तो मेरे मित्र इसके लिए बर भी अलौकिक होना चाहिए, मुझको घर देखना चाहिए, बर देखना चाहिए। तब मेरे मित्र मैंने विचार किया कि महाराज ये जब आत्मजा नहीं धरात्मजा है, अलौकिक नहीं अलौकिक है, इसके लिए बर भी अलौकिक होना चाहिए। तब मेरे मित्रों मैंने विचार किया कि महाराज मैं इसके लिए घर कैसे देखूं, बर कैसे देखूं, कुल कैसे देखूं, क्योंकि लौकिक नहीं अलौकिक है तो इसके लिए बर भी अलौकिक होना चाहिए। तब मेरे मित्रों विचार आया कि महाराज जिस कार्य को हमारी बेटी सीता ने किया है क्यों ना उसी पर प्रण कर दूं। तब मेरे मित्रों मैंने प्रण कर दिया कि जो भी वीर इनको दो खंडों में विभाजित कर देगा उसी के साथ में बेटी का विवाह कर दूंगा। यदि अलौकिक होगा बर तो उसी से आयुध का खंडन होगा, अलौकिक होगा नहीं होगा, अलौकिक से ही होगा। जबकि मेरे मित्रों इन आत्मजा बेटियों के लिए, लौकिक बेटियों के लिए यदि घर देखना है, बर देखना है, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है महाराज, एक संत ने मार्गदर्शन दिया है कि जो घर बरो। महाराज बेटी ना घर देखने जाती है ना बर देखने जाती है, बेटी के पिता हम हैं, आप हैं। कोई भी बेटी अपने बर की खोज करने नहीं जाती, बेटी के पिता हम बनते हैं। कहते हैं महाराज अच्छा
अच्छा सा घर मिल जाए, अच्छा सा परिवार मिल जाए, कि जो घर परो कुल हो ये अनुपा, महाराज कहते हैं घर कितने खंड का देखे, बोले महाराज चार खंड का मकान बना है, पक्का मकान बना है। क्यों? बोले महाराज हमारी बेटी को कहीं गोबर से लीपना ना पड़े, घर देख लिया। अब बात आती है बर पर मेरे मित्रों, कि जो घर परो, बोले बर तो बहुत सुंदर है महाराज, जिसके साथ में हमने अपनी बेटी का विवाह करना है, बहुत सुंदर बर है। क्या देखा सुंदरता? गोरा तन देख लिया, चमड़ी देख ली, और ऐसे भी विवाह नहीं करते हैं लोग। बोले महाराज दिमाग भी लगाते हैं, बोले महाराज शिक्षा पूछ लिया, शिक्षा कितनी प्राप्त की है बालक? बोले आप महाराज बताइए आपका बालक शिक्षा कितनी किए है? बोले महाराज स्नातक किए हैं, शिक्षा पूछ ली। अब मेरे मित्रों ये नहीं देखा कि महाराज वो विद्यालय से घर आता है कि कहीं वैशाले जाता है, कहीं शराब मदरा करता है, ये नहीं देखा महाराज। देखा तो क्या, तन देख लिया, चमड़ी देख ली, कि जो घर परो, तभी तो कहते हैं महाराज चमड़ी देख करके बेटी का विवाह कर दिया, बहुत सुंदर बालक है। चार लोग समाज में देखेंगे महाराज, कहेंगे बहुत सुंदर दामाद ढूंढा है आपने, यही नहीं देख उसके गुण और अवगुणों में नहीं देखा महाराज वो कैसा है, कि जो घर भले उसी क्षण बेटी उसकी मार दी जाए, लेकिन ये नहीं ध्यान चमड़ी देख ली और क्या देखा, तन खूबसूरत है लेकिन मन नहीं है, कि जो घर परो कुल हो ए अनुपा, तो मित्र करी है विवाह, लेकिन यहां भी ठहरिए, ऐसे विवाह ना करिए, बेटी का विवाह कैसे करिए महाराज, जब घर पर कुल बेटी के अनुरूप हो, तो करिए विवाह सो कहीं अन रूपा, तो करिए विवाह कब, जब यह सुतही अनरूपा, जब बेटी के अनुरूप घर हो, पर हो, कुल हो, इन बेटियों का विवाह कर लो, कभी बेटी मारी नहीं जाएगी, न कभी कोई बेटी आत्महत्या करेगी। और विचार करना मेरे मित्रों, कभी कोई बेटी कभी चलाई नहीं जाएगी, लेकिन मेरे मित्रों यहीं पर आप लोग भूल कर बैठते हैं, जबकि संत कहते हैं करिए विवाह स्वत ही अनुरूपा, कभी बेटी के मन को जाना है पिता ने, नहीं जाना। क्या महाराज राजा जनक नहीं चाहता कि हमारी बेटी का विवाह ना हो? चाहता है, और राजा जनक ये भी चाहता है महाराज हमारी बेटी ने जिस वक्त पुष्प वाटिका में गई, जिस राजकुमार को अपने नेत्रों में पलकों में बसाया है महाराज, उसी से बेटी का विवाह हो जाए, ये राजा जनक भी चाहता है। लेकिन महाराज राजा जनक ने ऐसा प्रण कर दिया है कि अपने क्षत्रिय प्राण छोड़ सकता है लेकिन प्रण नहीं छोड़ सकता। अरे बेटियां तो ऐसी होती है महाराज कि बेटी ममता की मूर्ति बनी, कोई भी बेटी अपनी मैया से तक नहीं पूछती, कोई भी बेटी अपने पिता से भी नहीं पूछती महाराज कि पिताजी जो मेरे लिए बर देख करके आए हो, जिसके साथ में मुझे जीवन समर्पित करना है, वो बर मेरे लिए कैसा है? कितना भी शराबी क्यों ना हो मेरे मित्रों, उसके साथ में अपना जीवन समर्पित करना,
ऐसी होती है बेटियां। हम ये नहीं कहते महाराज कि पिता को बेटी भी प्यारी हो। और बढ़िया सुन रहे हैं कावड़ी बिलाप विदेहराज जनक जी का। आप भैया श्री हरिओम मिश्रा जी भाई उनके द्वारा 21 मुद्राएं प्रदान की जा रही है जनक जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। देखिए जो प्रातः काल का समय होता है वो लोग जो लीला देखने आए हैं वही लोग लीला देखते हैं, और जो लोग आए थे जिनको देखने वो चले गए। जो धनुष का खंडन देखते हैं, सीता जी का विवाह देखते हैं, सौभाग्यशाली है। और किस प्रकार जनक जी रो रहे हैं ये जब दिन में बताएंगे लोग कि कैसे क्या थे क्या हुआ तब अच्छा लगता है। क्यों व्यास जी सुने सुंदर पृष्ठ। तो मेरे मित्रों बेटी का पिता किसी भी जगह इसका पाण के संस्कार कर दे, जबकि मेरे मित्रों पिता को पूछना चाहिए बेटी से, सलाह लेनी चाहिए अपनी पत्नी से लेनी चाहिए, क्योंकि माँ को बेटी के विषय में एक एक बात पता होती है। इस समाज में बैठी हुई माताएं जानती हैं। आप लोग कभी भी बेटियों को विवाह करें तो महाराज एक बार बेटी से भी सलाह लें कि वास्तविकता में हमारी बेटी, यदि आप लोग नहीं कह सकते महाराज आप अपनी पत्नी से कहिए महाराज ऐसे कि महाराज हमारी पत्नी से एक बार स्वयं कहिए अपनी पत्नी से कि महाराज हमारी बेटी से भी सलाह ली जाए, मैंने जो बर देखा है घर देखा है हमारी बेटी को प्रसन्न है या नहीं है। तो मेरे मित्र जिस वक्त माँ दिखाएगी प्रतिमा वास्तविकता में बेटी कुछ ना कुछ उत्तर माँ को अवश्य देगी कि बेटी ममता की मूर्ति बनी तुम जहां कहो चलो देती है। पिता किसी भी जगह इसका पाण ग्रहण संस्कार कर दे, पर जिसके संग में गांठे बांधी ये स्वीकार सुता तरुले। विनय जी ले लो पुरस्कार ले लो। ये स्वीकार सुता कर लेती है। और सुन रहे हैं सुंदर कारुणिक विलाप प्रभावित हुए हमारे भैया सुघर बाबा जी, इनके द्वारा ये 10 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। लेकिन मेरे मित्र और आप भैया श्री राजेश श्रीवास्तव जी के द्वारा भाई 21 मुद्राएं सुंदर जनक जी को प्रदान किए गए हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और आप भैया भाई धर्म पाठशाला चैनल आप लोग देख रहे हैं जिसके प्रोपराइटर हमारे बड़े भैया विनय जी भाई, उनके द्वारा भी 21 मुद्राएं प्रदान की जा रही जनक जी के लिए। भाई बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। तो मेरे मित्रों बेटी के प्रतीक दृश्य को देखिए, कभी भी बेटी अपने पिता के वचनों को नहीं काटती। इसी वजह से मेरे मित्रों मैं कहा करता हूं कभी भी बेटी का विवाह करो तो बेटी से भी एक बार सलाह लो। अरे राजा जनक की बेटी को जानते हैं कैसे चलती थी कि चली संगुले यह सखी सयानी। यहां पर बैठी हुई बेटियों से एक मेरा निवेदन है हाथ जोड़ कर कि बेटियों कभी भी घर से बाहर अकेले ना जाना। क्यों विचार करना मेरे मित्रों, हमारी बेटियों के साथ में नाना प्रकार के अत्याचार दुराचार हो रहे थे, लेकिन योगियों की कृपा है। कैसे कि जब से योगियों का राज आया व्यास जी बहुत सुधर गया हमारा देश। कि योगी के हृदय में भला वो हो पीर कहा जो ये नीर बहा कर रो देंगे।
पृथ्वी कर देना ये क्षमा हमें, हम ब्याह नहीं कर सकते हैं। तो बेटियों एक निवेदन है, कभी भी घर से बाहर अकेले ना जाना। क्यों? राजा जनक की बेटी सीता कैसे चलती थी कि चली संगुले वो सखी सयानी, कैसे व्यास जी का वत गीत मनोहर। सीता जब भी चलती थी घर से बाहर अपनी सैनी सखियों के साथ है। और जब मेरे मित्र सैनी सखियां हैं यदि बेटी के साथ में, तो किसी के बाजू वो हिम्मत नहीं है कि हमारी बेटी पर बुरी निगाह डाल सके। क्यों? यदि सैनी सखियां हैं तो किसी की औकात नहीं है, क्योंकि राजा जनक की बेटी जिस वक्त उस वाटिका में गई तो गई भवानी, पुष्प वाटिका में गई, पुष्प तोड़ रहे थे। उसी वक्त दृष्टि पड़ी एक राजकुमार पर, राजकुमार भी पुष्प तोड़ रहे थे। जिस वक्त पुष्प तोड़ते समय दृष्टि की, और ध्यान दें बच्चू बाबा रैदास जी, इनके द्वारा ये सुंदर 20 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त की जा रही कारुणिक विलाप पर, बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिस वक्त बेटी सीता की दृष्टि उस राजकुमार पर पड़ गई महाराज, तो हमारी बेटी सीता ने अपने पलकों में बसा लिया। अयादृश कौन देख रही थी? वो सैनी सखियां देख रही थी महाराज। उन सखियों ने मां सुनैना से जाकर के बताया, और सुनैना मुझे बताया। तभी तो हम कहा करते हैं कभी भी बेटियों को घर से बाहर अकेले न जाना चाहिए। कभी भी बाजार जाना है या कहीं भी जाना है, अपनी सैनी सखियों के साथ में जाना चाहिए। और जिस वक्त मेरे मित्र पलकों में नेत्रों में बसा लिया सीता ने उस राजकुमार को, तो क्या राजा जनक नहीं चाहता कि महाराज उसके साथ में विवाह ना हो? राजा जनक चाहता है, लेकिन राजा जनक ने सब प्रण कर दिया है महाराज। आज भी विचार करना बेटियों का विवाह होता है तो ये माताएं कहा करती है महाराज इन बेटियों से कि बेटी जाकर के गौरी पूजन करे। और ध्यान दे गजराज टेलर मास्टर जी, इनके द्वारा भी 10 पुष्प मुद्राएं कानूनी विलाप पर प्रभावित होकर प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो आज भी मेरे मित्रों वो प्रथा चल रही है गौरी पूजन की। तो अंतिम दिन था, अंतिम दिन उसी दिन महारानी सुनैना ने सीता को अष्ट सखियों के साथ में गौरी पूजन के लिए महाराज भेजा। उस वक्त ये घटना है। अब जिस वक्त पलकों में नेत्रों में बसा करके हमारी बेटी सीता मां भवानी के दरबार पर चल पड़ी, तो गई भवानी, भवानी बहोरी, मां भवानी के दरबार पर चल पड़ी तो बंदी चरण बोली कर कर जोरी कि मां मोरे मनोरथ तुम जानहुनी के। मां आप मेरे विषय में प्रत्येक चीज जानती है महारानी, कि सदा रहूं उर पुरे सब ही के। मां आप मेरे विषय में सब कुछ जानती है, मैं किसको उर्माने हृदय में बसाए हूं। महाराज क्या हुआ कि बिने प्रेम बसो भाई भवानी। जय जय बिने और प्रार्थना सुनकर के मां भवानी प्रसन्न हो गई, तो खसी माल, मां गिरजा के गले में जो माला डरी थी पड़ी थी महाराज, क्या हुआ वो माला खिसक गई, तो खसी माल, तो मूरत मुस्कानी, जब पत्थर की शिला मुस्कुराने लगी तो मां मेरे मित्र भवानी ने सुंदर सा आशीर्वाद दिया कि सुन सी सर तो आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, मन जाहि राजो मिलही सोवर। तो कहां गया मां भवानी का वरदान,
और कहां गए वो देवर सिनार्थी जी का? बेटी तुम तो ऐसी मेरी बेटी हो कि प्रथम ही कहा था मैंने सुनैना से रानी कि वो हो सिला मूर्ति का मुस्कुराना अशुभ है। तो बेटी तुम दौड़ती हुई आई और मेरी पास बैठ गई तो तुमने कहा था न रोबो पिताजी मुझे मान दी शुभ आशीष। तो बस देख लो मैंने आपका पुरुष देखा मैंने आपका जुत अब तो मेरे मित्रों हमें समय सूचक यंत्र बात कर रहा है। विचार बहुत कुछ कहने का था लेकिन समय सूचक यंत्र बात कर रहा है। इस वजह से कहना चाहता हूं कि समर्थ गए आपका पितृ अब जन कौ माखे भटमानी कारण हीर विहीन और ये मही मैं जानी कब जानी वीर विहीन और ये मही मैं जानी जब वीर विहीन मही मैं जानी के पर समाप्त हो आपकी मेहमान चले जाओ मेरी मिथिला से परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर तब भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो कहना चाहते ये सभा और ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो वंद क्योंकि बिगड़ मिथिलेश की इस रंग अंक रंग रंग अंक रंग सीता की सखियो अति शीघ्र ले जाओ। माखे लखन कुटिल भई भौहे रद पट फरकत नयन जिसहु है कहीं न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। बस राजा जनक बहुत हुआ वीरों का अपमान।